झुंझुनू जिले के खेतड़ी कस्बे के मिहाड़ा में स्थित आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं से कैंप के बहाने मजदूरों की तरह कार्य करवाया जा रहा है, जिसका वीडियो क्षेत्र में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की पड़ताल करने के दौरान जब छात्रों से अभिभावकों से बात की गई तो चौंकाने वाले मामले सामने आए। छात्रों ने बताया कि एक महीने से स्कूल की चार दीवारों के निर्माण कार्य में मिट्टी और पत्थर डलवाए जा रहे हैं। साथ ही छात्रों ने यह भी बताया कि कार्य नहीं करने पर स्कूल प्रशासन की ओर से फेल करने की धमकी दी गई है। तो वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने इसे कुछ लोगों की साजिश बताते हुए कहा कि 5 दिवसीय SUBW कैंप के तहत स्कूल में साफ सफाई करवाई गई थी। सरासर झूठ है। SUBW का कैंप 23 से 27 तक लगा है हमारे स्कूल में, और उस SUBW कैंप में बच्चों से परिसर की साफ सफाई, गंदगी, घास वगैरह, कूड़ा वगैरह, कंकर पत्थर जो बिखरे पड़े हैं उनको एकत्रित करवाए हमने, और 5 दिन से चल रहा है, आज भी चल रहा है कैंप। नहीं, जिस वीडियो में दिखाया गया भी जो चिनाई चल रही है वहाँ पत्थर डलवाए जा रहे हैं। चिनाई वाले में आपको दिखा दूँ, बाहर अभी भी मजदूर हैं, लग रहे हैं कारीगर के साथ, तो मजदूर लगे हुए हैं और वो मजदूर ही काम कर रहे हैं, बच्चे थोड़ी काम करते हैं।